जो ये आप संतरा लाते हैं मार्केट से और उसको खाकर उसके छिलके जो हम लोग ये फेंक देते हैं, तो आपने ये छिलके फेंकने नहीं हैं, इसके बहुत यूज़ हैं। तो आप इस छिलके से क्या बना सकते हैं, आप अपने चेहरे को इस छिलके से चमका सकते हैं। तो आपने कैसे इसको यूज़ करना है, चलिए आज बात करते हैं। तो आपने संतरे के छिलके ले लेने हैं, संतरे के छिलके आपने उबलते हुए पानी में डाल देने हैं। आपने एक गिलास पानी लेना है और उसमें संतरे के छिलके डालने हैं और कुछ रोज़मेरी के लीव्स आपने इसके अंदर डाल देने हैं। ये रोज़मेरी के लीव्स हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारी जो हमारा फेस का जो वो ग्लो है वो बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। रोज़मेरी एक बहुत ही अच्छी औषधि है, तो आप भी इसको इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये संतरे का जो छिलका है और रोज़मेरी का जो है, इसको अच्छे से उबालने के बाद आपने क्या करना है, इसको गैस को बंद कर देना है। जब ये उबल जाएंगे और अच्छे से इसका पोषक तत्व जो पानी में आ जाएगा पूरा, तो आपने इसको मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके आप इसको एक पेस्ट के रूप में बना लीजिए, पेस्ट बनेगा। तो उसमें आपने आधा नींबू डालकर क्या करना है, अपने फेस पर इसको अप्लाई कर लेना है। 10 से 15 मिनट तक इसको ऐसे छोड़ दीजिए, अपने फेस पर लगा रहने दीजिए। उसके बाद आप देखिए आपका चेहरा कैसे ग्लो करता है। ये संतरे के छिलके का जो पैक है, नेचुरल ग्लो आपको देगा। और आप क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका, इनके छिलकों को सुखा सकते हैं, सुखाकर और फिर मिक्सी में इसका पाउडर बना लीजिए और वो आप यूज़ कीजिए फेस पैक के लिए। जब भी आप फेशियल बाहर कराने जाते हैं, इतने इतने पैसे आप खर्च कर देते हैं, तो आप घर में ही अपने लिए एक फेशियल का ग्लो पैक बनाकर तैयार कर सकते हैं। या तो आप पेस्ट बनाकर बनाइए।